क्वेश्चन है, टू पैरेलल कैपेसिटर्स हैं, एक सी और एक टू सी, और कनेक्टेड इन पैरेलल गिवन है, और इसमें बैटरी कनेक्टेड है वी, पहला डायग्राम गिवन है। अब वो कह रहे हैं बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड, हटा दी, फेंक दी, और इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया कि, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस नया क्या होगा, ये क्वेश्चन है। जो इसमें होगा वो इसमें होगा, और टोटल में भी सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहली चीज, ये दोनों कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। इसके ऊपर वी और वी सेम रहेगा, इसका चार्ज क्या होगा, सी इंटू वी, इसका चार्ज क्या होगा, टू सी इंटू वी, एड करके 3 C × V, क्लियर है। तो टोटल चार्ज इन दोनों कैपेसिटर्स के अंदर क्या होगा, 3 C × V। ठीक, क्लोज करें इसे। नेक्स्ट है, बैटरी उठा के फेंक दी। एक चीज, जब बैटरी उठा के फेंक दी जाए, एक चीज कभी चेंज नहीं होती, और वो क्या है, चार्ज। क्योंकि चार्ज उड़ के तो हवा में जाएगा नहीं, अब चार्ज रहेगा तो कैपेसिटर के बीच में, तुम डाइलेक्ट्रिक डाल लो या ना डाल लो, बैटरी गई, चार्ज सेम है। अब तुमने क्या किया, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इसकी कैपेसिटेंस कितने टाइम्स हो गई, के टाइम्स हो गई। अब इन दोनों की नेट कैपेसिटी क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर दें, दो की जगह एक कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या आएगा, ये आंसर आएगा। तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, नया जो चार्ज है वो तो पुराने यूज कर लें, टोटल चार्ज तो वही रहेगा सेम, 3 CV को नई कैपेसिटी से डिवाइड करके नया पोटेंशियल आ गया, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो चार्ज हमने पुराना ले लिया फर्स्ट केस से, और पोटेंशियल निकालने के लिए क्यू को सी डैश से क्या कर दिया, डिवाइड, चार्ज पुराना ही है टोटल चार्ज, और कैपेसिटेंस नई लगा ली, तो टोटल चार्ज बाय नई कैपेसिटेंस नया पोटेंशियल, तो वी डैश की वैल्यू ये रहेगी, मार्क कर लेना जब भी ऑब्जेक्टिव आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, नहीं करना ये क्वेश्चन है। देखो जब आपने ये क्वेश्चन कहीं देख लिया, और दिख जाएगा आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो आपका ये डाउट बनेगा ही बनेगा, 100% है, लेकिन ये करने के बाद शायद कम बनेगा या नहीं बनेगा। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन ये है, फिगर शोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये ब्लैक कलर की प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ विड्थ बी एंड लेंथ एल, इसकी लंबाई क्या है एल है, और इसकी चौड़ाई विड्थ क्या है बी है, तो इसकी जो प्लेट बनेगी ऊपर एल इंटू बी, एरिया क्या बनेगा एल इंटू बी, एरिया टोटल प्लेट का एल इंटू बी। ठीक, चलो उसने एल एरिया टोटल नहीं दिया, कोई बात नहीं, एल और बी दे दिया, प्लेट की सेपरेशन डी है, और ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी, तो एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस क्या है डी, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज स्लोली इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट्स, तो आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डालना शुरू किया, कैपेसिटर की प्लेट को फिल करना शुरू किया विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, तो इस कैपेसिटर की क्या एनर्जी होगी जब कैपेसिटर की एक्स, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एक्स पोर्शन इसमें जा चुका है, अभी सिर्फ एक्स पोर्शन ही इसके अंदर एंटर हुआ है, तो इस टाइम इसकी एनर्जी क्या होगी। देखो जो एंटर हुआ वो एक्स हुआ, बाकी तो हुआ नहीं, तो मैंने डायग्राम छोटा करके बना लिया। देखो मेरा डायग्राम यही तो है, ये एयर है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी एंट्री हुई है अभी एक्स, मैंने पीछे का हटा दिया, चाहिए ही नहीं, जो बाहर गया मैंने क्या करना। तो अब ये अंदर दो कैपेसिटर दिख रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाला C1 और एक बिना डाइलेक्ट्रिक वाला C2, तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो आपका ये डाइलेक्ट्रिक कितना अंदर जा चुका है एक्स, तो ये लेंथ क्या बन जाएगी एल माइनस एक्स, सही है। तो अगर मैं ये पूछूं कि इसमें C1 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, के एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया क्या ले, छत का एरिया, प्लेट का एरिया, प्लेट का एरिया क्या होगा, ये कितना है एक्स, विड्थ कितनी है बी, तो एरिया क्या बनेगा बी इंटू एक्स, तो एरिया बी इंटू एक्स, बाय डिस्टेंस इनके बीच में कितना है। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो क्या किया समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो एप्स के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बी इंटू एक्स एरिया डिवाइडेड बाय डी, और ऐसी सी टू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट एरिया क्या लेंगे बी इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डी। अब ये दो कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में,
हमने किया था दो कैपेसिटर्स पैरेलल में, तो पैरेलल में तो सी वन और सी टू ऐड कर देते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये टर्म आएगी, तो ऐड करेंगे तो ये टर्म आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये बनता है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ गई, सी आ गई। तो पहला स्टेप क्लियर है, सी आ गया, ठीक है यहाँ तक। पर उसने क्या पूछी, एनर्जी। दूसरा ऑब्जेक्टिव हाफ सी वी स्क्वायर, इस सी की वैल्यू को यहाँ पुट करके एनर्जी आ गई, ठीक हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर से एनर्जी आ गई, ठीक। नेक्स्ट है अगला पार्ट, व्हाट फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन दी स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे मैं कितनी फोर्स अप्लाई करूं सो दैट इट गोज स्लोली इन टू द कैपेसिटर। स्लोली का मतलब एक्सलेशन जीरो, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से डाइलेक्ट्रिक जाता जाए, ये क्वेश्चन है। कितने लोग ये कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक को फोर्स मुझे राइट देनी पड़ेगी, और कितने बोलते हैं कि लेफ्ट देनी पड़ेगी, लेफ्ट देनी पड़ेगी कि राइट देनी पड़ेगी ये फोर्स, डायरेक्शन बताओ। डायलेक्ट्रिक डालने के लिए मुझे फोर्स राइट देनी पड़ेगी कि लेफ्ट, आप कहोगे ये क्या क्वेश्चन है, डायलेक्ट्रिक डालना है तो राइट ही देनी पड़ेगी, लेफ्ट तो बाहर आ जाएगा वो, ऐसा ही ना, बोलो लेफ्ट की राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट क्यों, बिल्कुल इंडक्शन पोलराइजेशन होगा क्या, ये प्लेट ऑफ कैपेसिटर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर पोलराइजेशन हो जाएगी और ऑपोजिट चार्जेस आ जाएंगे, प्लस की प्लेट नेगेटिव को खींच लेगी, इधर से नेगेटिव की प्लेट पॉजिटिव को खींच लेगी, तो डाइलेक्ट्रिक तो खुद ही खुद अंदर जाता, मतलब खुशी खुशी अंदर जाएगा, उसको तो धक्का मारने की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करना होता है आपको कोई फोर्स ना लगानी, हल्का सा डायलेक्ट्रिक डाल दो चार्ज कैपेसिटर में, उसे बहुत तेजी से खींच लेगा, उल्टा आपको तो रोकना पड़ेगा क्योंकि आपको एक्सलेशन जीरो चाहिए, कहीं ज़्यादा तेज ना चला जाए, तो फोर्स लेफ्ट लगानी पड़ेगी ताकि वेलोसिटी कॉन्स्टेंट मेंटेन रहे। तो पॉइंट समझ में आया, क्या लॉजिक है इसमें, मैंने बोला था ना आपको ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है। तो फोर्स कहाँ लगानी पड़ेगी, लेफ्ट में। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये करने के लिए लॉजिक ये है, इसमें दो लोग काम कर रहे हैं, एक बैटरी, बैटरी चाहती है कि भाई कैपेसिटर जो डाइलेक्ट्रिक है फटाफट इनसाइड इंसर्ट हो जाए, हम चाहते हैं जल्दी ना जाए, तो हमारा वर्क डन ऑपोजिट होगा। तो बैटरी कितना काम कर रही है, डी क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल बैटरी काम कर रही है, क्योंकि बैटरी डी क्यू चार्ज देगी वी पोटेंशियल में। हम कितना काम करेंगे, एफ डी एक्स ऑपोजिट, और जो बची हुई एनर्जी है उसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, क्योंकि डायलेक्ट्रिक स्लोली स्लोली एंट्री कर रहे हैं, तो सी नहीं यूज़ करना, डी सी यूज़ करना है, स्मॉल कैपेसिटेंस डी सी यूज़ करनी है, स्मॉल चार्ज डी क्यू यूज़ करना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स यूज़ करनी है, राइट। अब इसमें चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, डी सी इंटू वी स्क्वायर कर लो, डी क्यू की जगह डी सी इंटू वी, ये इक्वेशन है, इसे इसे माइनस करके ये इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन आ गई, आपको फोर्स निकालनी है, फोर्स का ये फॉर्मूला आ गया। इस फोर्स के फॉर्मूले में कैपेसिटेंस हमने निकाली थी एक्स की फॉर्म में, पुट कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, डी एक्स बाई डी एक्स वन है, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन जीरो है, जो बचा आपका फोर्स का फॉर्मूला है। अब ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछो आया हाँ नहीं आया, आज तक नहीं आया, क्या ये सी बी एस ई में आया, मतलब ही नहीं है, कहीं दुनिया फेल ही ना हो जाए इसको देख के, कहीं नहीं आएगा। क्या ये नीट में आया, मैंने नहीं आज तक आता देखा, आएगा भी नहीं मेरे को लगता नहीं है। मेंस में आया, नहीं मैंने नहीं देखा। एडवांस में आया, हाँ मैंने एडवांस में देखा है। एच सी वर्मा का क्वेश्चन आखिरी है और यही ज़बरदस्त क्वेश्चन है उसका, आ सकता है, मुझे लगता है मेंस वालों को हो सकता है कभी ना कभी आ भी जाए, क्योंकि एडवांस वाले टेस्ट कर चुके हैं ऐसे, और स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट नया है, इसलिए करवाया है, एटलीस्ट आपको पता हो कि करना क्या है, क्वेश्चन इतना बड़ा ना आए। हो सकता है वो आपसे फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन ही पूछ ले कि लेफ्ट है कि राइट है, तब क्या करोगे, तो एटलीस्ट सुना होगा, कुछ दिमाग तो लगा ही पाओगे। क्लियर है यहाँ तक,